हेलो गाइस, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, आपको टारगेट बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर न्यू हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिल जाएगा। 103 रुपये में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है। आज की डेट में अच्छा रिटर्न दिया है, 1 मंथ में अच्छा रिटर्न दिया है, 6 महीने में डाउनफॉल है। 5 ईयर की चार्ट पैटर्न देखोगे तो 20% की अच्छा रिटर्न। कोविड के टाइम में 27 रुपये में मिल रहा था, 27 से ऐसा 124 तक गया है। इस बीच एक शानदार रिटर्न, जो लोग यहाँ पर बाय करके यहाँ पर सेल किए होंगे उनको मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी प्रोवाइड किया है। अभी थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, जो कि अच्छा बात है आपके लिए, नीचे मिल रहा है। 638% की अच्छा रिटर्न। कंपनी 2010 में लिस्टिंग हुआ था 14 रुपये करके, 100 में रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया कोविड के टाइम में, उसके बाद फिर से 100 को क्रॉस किया, अभी वही 100 के पास ही ट्रेड हो रहा है। 150 का हमारा टारगेट रहेगा। चलिए देखते हैं इस शेयर जा पाएगा नहीं। यहाँ पर हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ईयर वाइज सिलेक्शन करेंगे। रेवेन्यू में ग्रोथ है, नेटवर्थ में ग्रोथ है 2023 में, प्रॉफिट देखोगे प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है 2023 में, जो कि अच्छा बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर रखा है 50%, रिटेल इन्वेस्टर 29%, म्यूचुअल फंड 14%, फॉरेन इन्वेस्टर 6.24%, और दोस्तों डोमेस्टिक वाले 0.01 रखें, जो कि अच्छा बात है। फुल डिटेल्स में देखेंगे तो 1954 से कंपनी चल रहा है, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। करंट प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप जबरदस्त रखा है, पी भी ठीक है, बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड अच्छा देता है। ROC 27 है, ROE 22 है, फेस वैल्यू 1 का है। 30 करोड़ का कर्ज है, लेकिन रिजर्व ज्यादा है, असल उससे ज्यादा है। उसके अलावा वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड देता है, डेट टू इक्विटी 0.04 है, बहुत ही कम है। आप देखोगे ये कंपनी दोस्तों जिस फील्ड में काम करता है 8 नंबर पर आता है। सेल ग्रोथ क्या बता रहा है, सेल ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, CAGR नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट एसेट में दोस्तों हम लोग को डाउन थोड़ा सा नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो आगे माइनस था, अभी पॉजिटिव है। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद 150 का टारगेट रहेगा। मिनिमम अमाउंट लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, 150 का टारगेट रहेगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।